ये भाई साहब पड़ोस में कर रखा था भाई ने करना है। हाँ। उसका बचत लगी इसीलिए हमने भी कर लिया। अच्छा मार्केट बढ़िया भाई। क्या रेट में जा रहा है आपका मुर्गा और मुर्गी? मुर्गा और मुर्गी 350 रुपये किलो जाता है। हाँ। और जितना बंदा ले जाता है 800 या 900 रुपये बीच जाता है। 800-900 रुपये भी चला जाता है। हाँ। तो से हमने बेच दिए, जो पूंजी लगी थी, जो खाने पीना खर्चा था वो इन्होंने निकाल दिया। वो निकाल दिया। हाँ, ये बचत है। और हाँ। अंडे देने शुरू कर दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पोल्ट्री पैन इन्फो में। और जैसा कि आप मेरे ये पीछे देख रहे हो, आज मैं फिर से एक देसी पोल्ट्री फार्म में आया हूँ। तो जो ये इस देसी पोल्ट्री फार्म के मालिक हैं उनसे मैं आपकी बातचीत कराऊंगा और इस देसी पोल्ट्री फार्मिंग की उनसे जानकारी लेंगे। और साथ साथ में दोस्तों आपको बता दूं, जो ये स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, ये मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर भाई जुड़े हुए हैं। तो आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना खुद का नाम और अपने स्टेट का नाम लिख के मेरे को व्हाट्सअप पर मैसेज करवा देना है, जिससे क्या है कि मैं आपको ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करवा सकूँ। बाकी जो आज की ये वीडियो उसको यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थोड़ा अपने बारे में और अपनी इस फार्म के लोकेशन के बारे में बताएं जहाँ पे आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर रखा है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजवीर है, गांव पंतावस कला है। हाँ। तहसील चरखी दादरी है। तहसील चरखी दादरी हरियाणा। हरियाणा। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको ये देसी पोल्ट्री फार्म? ये हो गया भाई साहब 5.5 महीने। 5.5 महीने हुए अभी तक आपको? अच्छा, 5.5 महीने, मतलब आप नए फार्मर हो। हाँ जी। कैसे विचार आया आपके मन में ये देसी पोल्ट्री फार्म करने का? ये भाई साहब पड़ोस में कर रखा था भाई ने करना है। हाँ। उसका बचत लगी इसीलिए हमने भी कर लिया। अच्छा। अच्छा, हम ले आए थे 550 बच्चे। 550 बच्चे। हाँ जी। पहले तो ये बताओ कौन सी नस्ल लेके आए थे आप? एक तो ये काडकनाथ है। काडकनाथ और कौन सी? सोनाली होगी। सोनाली है 3 हजार की नस्ल। अच्छा, तो भाई साहब को क्या है, थोड़ा सा उस भाई ने दिलवाए बच्चे। हाँ जी। तो थोड़ी सी नॉलेज नहीं है, है ना? हाँ हाँ। अच्छा सर, ये बताओ, जैसे आपने ये देसी पोल्ट्री फार्म कर लिया। हाँ जी। आपने ये शेड भी काफी पक्का बना रखा है। काफी अच्छा शेड लगा मेरे को। ये शेड भाई साहब मैंने बनाया था बकरी खातर। अच्छा, बकरी के लिए बनाया था। हाँ जी। हाँ हाँ। फिर बकरी की कोनी घर के नाइट गए थे, फिर मुर्गे लिए आए, भाई को बचत लग गया, मुर्गे लिए आए। अच्छा। नहीं, मतलब जो कई के लोग कहते हैं बकरी पालन अच्छा है, आप इसमें आगे देसी पोल्ट्री में? तो घर के ने मना कर दिया ना। अच्छा। नहीं, वैसे है ना, बकरी पालन में एक नुकसान और भी है सर। हाँ, जैसे उनको घुमाना पड़ता है। हाँ, तब आस पड़ोसी उसमें बहुत ज्यादा बोलते हैं। तब भी आपको ये अच्छा बिजनेस लगा? हाँ। अच्छा, मार्केट कैसी है आपकी यहाँ पे? मार्केट बढ़िया है। क्या रेट में जा रहा है आपका मुर्गा और मुर्गी? मुर्गा और मुर्गी 350 रुपये किलो जाता है। और जितना बंदा ले जाता है 800-900 रुपये बीच जाता है। 800-900 रुपये भी चला जाता है। हाँ जी। अच्छा, कई भाई झूठ बोल देते हैं कि इसमें बचत है नहीं है, मतलब झूठ बोल देते हैं। तो आप बताओ थोड़ा, 5 महीने से कर रहे हो। देखो, हम ले आए थे ये 550 बच्चे, उनमें से ये बच रहे हमारे पास 350। 350 बच्चे हुए हैं। हाँ। 200 हमने बेच दिए, जो पूंजी लगी थी, जो खाने पीना खर्चा था वो इन्होंने निकाल दिया। वो निकाल दिया। हाँ, ये बचत है। और अंडे देने शुरू कर दिए, कम से कम 20-30 मुर्गियां ने अंडा देना शुरू कर रखे हैं। अच्छा, अंडे भी मिल रहे हैं आपको? हाँ जी, अंडे। सर्दियों का मौसम आ रहा है आगे। अच्छा, अंडे का क्या रेट है आपके इधर देसी के? अंडे का रेट है जी भाई साहब, तो मान लो कि 50 रुपये पीस जाता है। जो 1-2 ले जाए तो। अच्छा। और कट्ठा ले जाता है तो 30 रुपये का पीस जाता है। 30 रुपये पीस जाता है। हाँ जी। अच्छा, तो काफी अच्छा रेट मिल रहा है आपको अंडे का। हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शेड काफी पक्का बना रखा है आपने। हाँ, जैसे आपने बताया बकरियों का बनाया था। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, कितने खर्चा आ गया था इस शेड के ऊपर आपका? इसका हो गया था जी सारा लगभग कमरे का और इस शेड का 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख रुपए। हाँ जी। तो सर, शुरुआती इन्वेस्टमेंट है वो काफी लगा रखी है आपने, बहुत ज्यादा लगा रखी है। तो ये इसलिए बकरियां हाथ रखा था ना, बकरियों के लिए किया था, इसलिए लगा दिया आपने। अच्छा अच्छा। मान ले कम लगाते दुखी सुखी पाकी, फिर बाद दिक्कत फिर आती, आगे परेशानी आती। परेशानी पूरा जंगल है, लोग कोई है नहीं। हाँ। इसलिए अपना काम बढ़िया पक्का कर रखा है। पक्का कर रखा है आपने। हाँ जी। चलिए, तो एक बार फार्म दिखाओ अपना। जाओ जी, ये देखो भाई का फार्म देखते हैं। ये देखो, आते ही आपको RIR दिख रहा होगा। काडकनाथ भी है कुछ इसके अंदर, है ना? हाँ जी, काडकनाथ है। और कौन सी है नस्ल ये? भाई काडकनाथ है। हाँ, ये RIR है। हाँ हाँ। और ये एक, इसका नाम तो नहीं जानता, मुझे पता नहीं भाई, मैंने पहली बार करा है। क्रोयलर बोल देते हैं इसको। हाँ। अच्छा। हाँ, 3 नस्ल है जी। अच्छा, 3 नस्ल है। हाँ जी। बड़े आराम से बैठे हुए हैं सारे, है ना? आराम से। हाँ जी। अच्छा, इसमें कुत्ते बिल्ली की तो आपके फार्म में कोई दिक्कत समस्या नहीं है? अच्छा। हाँ जी। अच्छा, फीड में अभी इनको क्या दे रहे हो आप? फीड में दे रहे हैं जी, बाजरा दे रहे हैं, मक्का दे रहे हैं। बाजरा दे रहे हो और मक्का दे रहे हो? हाँ जी। अच्छा, बाजरा मक्का कैसे पिसाई करके दे रहे हो इनको? हाँ, पिसाई करके। अच्छा, बाजरे को ही पिसाई करके दे रहे हो? बाजरे भी मक्का ही पिसाई करके, दोनों को। उससे जो आप बाजरा मक्का दे रहे हो उस फीड का क्या फायदा मिल रहा है? वेट अच्छा गेन हो रहा है इनका? वेट अच्छा होता है और इसके अंडों भी ठीक रहता है, इसमें अंडों के लिए बढ़िया रहता है। मतलब आप घर का फीड दे रहे हो इनको? हाँ, घर का। मार्केट फीड पे नहीं चला रहे? नहीं, मार्केट पे नहीं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा भाई ये बताओ आप जैसे पानी वगैरह की क्या प्रबंध कर रखा है आपने इनके लिए? पानी के डाल रखा है कि मैं कम पर है। हाँ जी, तसलों में डाल रखा है आपने? हाँ, तसलों में। अच्छा अच्छा, हाँ जी। अच्छा, इससे मतलब आप अभी फिलहाल मेन बिजनेस आपका क्या है? मेन तो ये मान लो यही है, मेन तो इसका करेंगे, देसी पोल्ट्री चल रही है अभी। हाँ, मेन में। अच्छा, नहीं उसके साथ में आपको खेती बाड़ी वगैरह करते? हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कितने एकड़ के जमींदार हो आप? हमारे पास तो मतलब एक किला आता है। अच्छा, हाँ जी। तो मेन सोर्स फिलहाल अभी आपका ये पोल्ट्री फार्म ही है ना? हाँ जी। क्योंकि एक एकड़ का जमींदार छोटा जमींदार होता है। हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो अच्छा वैसे क्या ध्यान रखते हो आप मुर्गी पालन में? इनको क्या ध्यान रखना चाहिए इनका? जी बस ये पानी डाल दिया, नाचना डाल दिया इनको, और थोड़ी देख ले भाई, और कुछ सफाई सुफाई का थोड़ा ध्यान रखा बस। अच्छा अच्छा, हाँ। आपने छोटे बच्चे लेके आए थे जब, आपने नेचुरल ब्रूडिंग करी थी इनकी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ब्रूडिंग कैसे करी थी आपने? शुरू में 10 दिन के बच्चे लेके आए थे। हाँ। और 3-4 दिन तक गुड़ का पानी पिलाया था। गुड़ का पानी पिलाया? हाँ जी। फिर ये वो बाजरा डालने लगे इनके लिए। अच्छा, फिर इनको दाना डालना स्टार्ट कर दिया? हाँ जी। कितने दिन के हो गए ये? हो गए थे मान ले 20 दिन बाद में। 20 दिन बाद आपने वो डालना स्टार्ट कर दिया इसके अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ आप ना ड्रिंकर एक बार दिखाना आपने फीडर, ये देखो पूरा दाना भर के रख रखा है भाई ने। हाँ जी, ये देख लो। और इसके अंदर बाजरा और मक्का मिक्स है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपके मुर्गों ने काफ़ी अच्छा वेट गेन कर रखा है ना? वजन काफ़ी अच्छा आ रखा है आपके मुर्गों का। ये इसका बाजरा और मक्का। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपने RIR डाल रखा है ना? और साथ में कडकनाथ भी डाल रखा है। कौन सी ब्रीड आपको अच्छी लगी? तीनों बढ़िया है। तीनों बढ़िया है। हाँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो काफ़ी अच्छा वेट गेन किया हुआ है आपके जो मुर्गे दिख रहे हैं ना? हाँ। उन्होंने ये देखो आप। अच्छा, कोई और फार्मर भाई करना चाहे तो उसे क्या सलाह दोगे आप? उसको ये सलाह देंगे भाई साहब, मान लें बढ़िया इसमें और आमदनी बढ़िया है। आमदनी भी बढ़िया है इसके अंदर? हाँ जी। अच्छा, करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। खवाद कम है। हाँ, खवाद मतलब मेहनत कम है इसके अंदर? हाँ, मेहनत कम है। सुबह शाम मतलब इसका बस खाने का पीने का ध्यान रखे बस इसमें। अच्छा, और कोई खवाद नहीं है। सफाई का भी ध्यान रखते हो? थोड़ा बहुत सफाई का ध्यान रख ले भाई, हफ्ता में 4-5 दिन में सफाई करता रहा थोड़ा इसकी। अच्छा अच्छा, उसमें नहीं बदबू ना हो तो? हाँ हाँ हाँ, गंदगी ना फैला। अमोनिया गैस बन जाती है, उनसे बीमारी आ जाती है इनके अंदर, है ना? हाँ हाँ। अच्छा, और आपके मुर्गे खूब खुश घूम रहे हैं, ये देखो ऐसे लटक रहे हैं आराम से, है ना? एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप लेके आए थे 500, अभी बचे हुए हैं फिलहाल। अभी कितने हैं अपने पास में? ये होंगे 350 करीब। 350 करीब होंगे। हाँ। तो आप खुश हो इस बिजनेस से? एकदम खुश हो, संतुष्ट हो आप? हाँ। अच्छा। मैं तो और बताऊंगा पर ली साइड में ये बांस डाल रखी है ना? हाँ हाँ, इधर और बताऊंगा, जाली लेके रखी है। हाँ हाँ, परली साइड में और बताऊंगा। अच्छा, पूरा 1 एकड़ में लेके जाओगे इसको? फिलहाल तो इधर ले जाऊंगा बस, तो ये मान ले 45-15 बाई का है। अच्छा, और बढ़ाओगे आप इसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जो आपका माल लेने वाले आते हैं वो कौन लोग होते हैं? ये तो इतना व्यापारी हैं, दुकान वाले ले जाएंगे मैं तो। अच्छा, रिटेल वाले मतलब जो शॉप वाले होते हैं, कटर वाले? हाँ जी, वो ले जाते हैं। आपको पालन वाला भी ले जाता है? पालन वाला भी ले जाता है। अच्छा, वो उनको अलग अलग रेट देते हो या सेम रेट ही जाता है? अलग अलग रेट है जी। अच्छा अच्छा, मीट में क्या रेट बता रहे थे आप? 350 रुपये किलो? हाँ, 350 रुपये किलो। अच्छा, उसमें प्रॉफिट निकल जाता है ये? हाँ, निकल जाता है। अच्छा, जो ये आपने RIR ब्रीड पाली हुई है, कड़कनाथ पाले हुए हैं, ठीक है, ये कितने महीने में रेडी हो जाते हैं? ये कुल मिला मान लो 4.5 महीने में रेडी हो जाते हैं। 4.5 महीने में रेडी हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, RIR है नस्ल, वो कितने महीने पे अंडे पे आ जाती है? ये 4.5 महीने में अंडे पे। 4.5 महीने पे अंडे पे आ जाती है। आपको जो पहला अंडा मिला था आपके फार्म में, वो लगभग कितने महीने बाद मिला था? 4.5 महीने के बाद। 4.5 महीने के बाद मिल गया था आपको। अभी अंडे कैसी आ रही है? अंडे की कैपेसिटी कितनी आ रही है आपके फार्म में? ये फिलहाल तो हमारे पास है जी 30-40 की। मतलब एक से डेढ़ ट्रे के आसपास आपकी आ रही है। हाँ, फिलहाल हाँ। अच्छा, पर डे की आ रही है? पर डे 30-40 की। अच्छा, अंडे को कहाँ बेच रहे हो आप? अंडे को कीमत तो भाई साहब मशीन में लगा रखे हैं। हाँ हाँ, बच्चे का हाथ। अच्छा, चूजे निकाल रहे हो? हाँ, चूजे हाथ करो। हाँ, और कीमत बिक जाते हैं और गाँव घूम के ले जाते हैं, आसपास के लोग लेके जाते हैं। क्या रेट देते हैं वो? 50 रुपया पीस। आज भाई साहब 30 रुपये जाता है। 30 रुपये ले जाए, करेट ले जाएगा उसको 30 की लगती है। हाँ, और एक दो ले जाओ उसको 50 का लगता है। अच्छा अच्छा, तो कोई भाई आपसे चूजे वगैरह लेके जाना चाहे या फिर मुर्गे लेके जाना चाहे या छोटे बच्चे या मतलब इस तरीके से कुछ भी लेके जाना चाहे अंडे वगैरह, तो वो आपसे लेके जा सकता है? हाँ, ले जाए आराम। अच्छा, अगर कोई हमारी वीडियो देख के आएगा तो आप उसको डिस्काउंट दोगे आप? हाँ, देंगे जी, क्यों नहीं। अच्छा, कितना डिस्काउंट दोगे उसको? मान लो 100-200 रुपये डिस्काउंट कर देंगे। 100-200 रुपये का डिस्काउंट कर दोगे? हाँ जी। नहीं, जैसे कोई एक पीस लेने आया तो उस पर कितना डिस्काउंट करोगे? उसका तो एक पीस का तो तुम्हें मान लो भाई 20-30 रुपये या 50 रुपये कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो भाइयों जरूर बताना कि आप मेरी वीडियो देख के आए हो, और बाकी भाई के नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। और तो धन्यवाद सर इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद भाई सर।